वेलकम टू द बबलीज किचन। तो आज मॉम बना रही हैं जलेबियाँ। तो उसके लिए सबसे पहले लिया है आधा कप मैदा। अब हम इसमें डालेंगे एक तिहाई कप दही। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा वाटर डालना है। इसमें हम डालेंगे फूड कलर। उसको मिला लेना है जब तक इसमें लम्स नहीं रहे। इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। हमको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। तो हमने इसे रेस्ट करने रख दिया है 15 मिनट के लिए। तो ये जो हमारी चाशनी है, ये हमारी हमने बनाई नहीं है। हमने जो रसगुल्ले बनाए थे हमने हमारे पिछले वीडियो में, उसी की चाशनी थी। तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं उसे। तो ये हमारा जलेबी का जो बैटर है वो रेस्ट हो गया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पे बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप एक पिंच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा घी गर्म हो रहा है जिसमें हम अपनी जलेबियाँ तलेंगे। तो हम इस बोतल से बनाएंगे, ये सॉस की बोतल है। इस बोतल की मदद से हम जलेबियाँ बनाएंगे अपनी। हम अपना बैटर इस बोतल में भर लेंगे। तो ये जो हमारा घी है गर्म हो गया है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। अब हम अपनी जलेबियाँ बनाएंगे। इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाना है। पलट लेना है इसे। तो ये जो हमारी जलेबी हमने चाशनी में डाल ली, बाकी जलेबी भी ऐसे ही डाल लेंगे। बनाएंगे
तो ये जो हमारी जलेबी हैं इन्हें चाशनी में डाल लेंगे। ऐसी सारी जलेबी हम चाशनी में डाल लेंगे। तो ये हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी स्वीट डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।